गुड मॉर्निंग ओडिशा, आज 29 तारीख गुरुवार। आज रही गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण समस्त अनुरोध भिडियो समस्ते गोटे गोटे लाइक करबे एवं हाँ चैनल टू सब्सक्राइब मध्ये करनेबे। ता सहित आपण माने आम भिडियो टिकु केउ जिल्ला रे देखछन्थि आमकु कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। तो चालंतु आउ डेर न करी आज रो प्रथम खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। देखंतु प्रथम खबर, चासी एबे लाभवान, आरंभ हबो सीएम किसान योजना, जानंतु काकु मिलबो केते टंका। राज्य रे खूब शीघ्र आरंभ हबो सीएम किसान योजना, आउ एही योजना रे लाभवान होई पारे क्षुद्र नाममात्र चासी एवं भूमिहीन कृषक परिवार। एने बुधवार विधानसभा रे लिखित उत्तर दे कहिसंति कृषि मंत्री केवी सिंहदेव। सूचना मुताबक सीएम किसान योजना रे प्रत्येक किस्ती रे 2000 लेखा टंका वर्षौ दुईटी गोस्थितारे सहायता राशि प्रदान करा जिवो। सेहिपरि प्रत्येक भूमिहीन कृषि परिवार को समुदाय तीनोटी किस्ती रे 12500 टंका प्रदान करा जिवो। तेब नूतन भाव में पंजीकृत होगापी चाषी मैंने सीएम किसान अभियोग पोर्टाल माध्यम से आवेदन करें। प्रक्रिय खुब शीघ्र कार्यकारी हो मंत्री लिखित उत्तर कहते। अंपटे पीएम किसान योजनार नियमावली अनुजाई चाषी मैंने योग्य बेचित होते। योग्य बेचित हेले से पीएम किसान सहायता राशि प्रदान होने बालेश्वर विधायकों प्रश्न उत्तर की सूचना देते उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग मंत्री कनक बर्धन सिंहदेव। ता सहित देखु कलाधन एसआईटी बैठक दुर्नीतिग्रस्त प्रति कठोर कार्यानुषान निया। कटक कलाधन संपर्कित एसआईटी बैठक पर जस्टिस अरजित पसायत प्रतिक्रिया रखिंट। से कहते विभिन्न क्षेत्र में दुर्नीति होती रोक लगवा जरूरी, दुर्नीति कमाइवा उद्देश्य रही, दुर्नीति कमले समस्त उन्नति हे, दुर्नीति होता जानले जनवा समस्त कर्तव्य होगा उचित, जनवा द्वारा दुर्नीतिग्रस्त प्रति कठोर कार्यानुषान नि दुर्नीतिग्रस्त आयकर ठकई जांच करलाइन जुआ खेल को नहीं चिंता प्रकट करिसथि जस्टिस पसायत। अरजित पसायत बासवन में बसी कलाधन संपर्कित बैठक में प्रवर्तन निर्देशालय महानिर्देशक राहुल नवीन, भिजनास डीजी, नारकटक निर्देशक, आयकर चीफ कमिशनर सीबीडीटी प्रमुख उद्योग देते। आगो खबर देखु, पुणी आरंभ हम व्याघ्र प्रकल्प, 5 वर्ष आसवे 14 बाघ, सातकोशिया आसे बाघ, पुणी आरंभ हम ट्रांसलस लोकेशन प्रकल्प। एथर महाराष्ट्र तोड़वा जंगल आसे बाघ ट्रांसलस लोकेशन मिली एनटीआर ग्रीन सिग्नल। 5 वर्ष पर्यायक्रमे आसवे 14 बाघ महाराष्ट्र तोड़वा जंगल बाघों सह ओडिशार बाघों सामंजस्य थारू बाघ अणा ट्रांस लोकेशन एनटीए किसी सर्त रखु आम सब सर्त मानी व्याघ्र प्रकल्प चलाइब पीसीसीएफ सुशांत नंद। कर एरिया समस्त जनवसति खाली कर बरफ एरिया 6 गाँ खाली कराइले आउ किसी गाँ खाली कर सूचना देखते पीसीसीएफ सुशांत नंद। एने स्थानीय बासिंदा और जनप्रतिनिधि विस्तृत आलोचना कर। परवर्ती खबर देखंतु, राजधानी नकली डाक्तर गिरफ, पुणी जने नकली डाक्तर गिरफ। राजधानी भुवनेश्वर बुधवार जने नकली डाक्तर गिरफ होती, नाम कुमार कांडी, तांको निकट बहु परिमाण नकली औषध जबत होती। क्यासर आरंभ कर ओजन कमेबा, सुंदर देखा और एसीडीटी आदि समस्या को दूर करने डाक्तर साजी लोक लुटते। किसी महिला लक्षाधिक टंकार औषध बिक्री कर सूचना रही। एसबू औषध खायापुर अनेकों निकट में पार्श्व प्रतिक्रिया देखाई, फोन करने नकली डाक्तर जनक आउ फोन उठाई नथिले। एने पुलिस रे अभियोग परे अभियुक्त अजय कुमार कांडी को गिरफ्त कर लक्ष्मीसागर थाना पुलिस। निकट रु हजार हजार टंकार औषध जबत, एक बाइक जबत कराई। अजय उक्त बाइक रे बुली बुली औषध देउथवा खबर रही। चलंतु खबर अच्छी कड़ाकड़ी हम श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था, निजुक्त हे 20 जन सेना अधिकारी। पूरी श्रीमंदिर आनंद बजार में सुरक्षा व्यवस्था अधिक कड़ाकड़ी करने को पूर्वतन सेना कर्मचारी मैंने मुतयन है मंदिर प्रशासक अजय जेना सूचना देते। आनंद बजार में श्रृंखला बजाय रखा और कार्यकलापर तदारख करने 20 जन अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी एक टीम निजुक्त कर। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन कार्यालय निजुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो सारी और प्राय 60 जन अवसरप्राप्त सैनिकों साक्षात्कार ग्रहण कर। यह पदक्षेप एक घर आउटसोर्सिंग कंपनी माध्यम रे उपलब्ध कराई। चलित मास शेष सुधा समस्त 20 पदवी पूरण हो बोली आशा कराउची। परे सेप्टेम्बर 1 रु आनंद बजार नूतन निजुक्त सुरक्षा कर्मी को नियोजित कर ड्रेस कोड रहिबो एवं आनंद बजार कार्यकलाप नजर रखा स्वतंत्र तालीम प्रदान कर। परवर्ती खबर देखु, जनधन योजना को पूरला 10 वर्ष, जानतु प्रधानमंत्री कहले कौन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार देशर जनधन योजना को सफल करिवारे काम करथिया लोकों प्रशंसा से कहते। आर्थिक समावेश को उत्साहित करोजना सफल होती। प्रधानमंत्री कहते आज आम एक गुरुत्वपूर्ण अवसर पालन करछे। जनधनर 10 वर्ष सब हिताधिकारी बधाई एहास्यवाद जो मैंने योजना को सफल करछंती। एने प्रधानमंत्री एक्स हैंडल एक ट्वीट करछंती। से उल्लेख करछंती देश लागि यार एक ऐतिहासिक दिन, जनधनर 10 वर्ष अवसर में सब हिताधिकारी शुभकामना जनाउछि। प्रधानमंत्री कहते जनधन योजना कोटि कोटि देशवासी विशेष करी
ଆମର ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନର ଅବସର ଦେବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଏବେ 53.13 କୋଟି ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରୁ 80% ଏକାଉଣ୍ଟ ସଚଳ ଥିବାବେଳେ ଏସବୁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 2.3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଏକାଉଣ୍ଟରେ 11 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପଠାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଜାରି କଲା ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 13 ଓ 14 ହେବ 3 ପଦ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରୀୟ ବା ସମକକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ମାସ 13 ଓ 14 2 ଦିନରେ 3 ପଦ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁନିୟର ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ପଦ ପାଇଁ 13 ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଅମିନ ଆୟୁଷ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ 14 ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 140 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏନେଇ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 6 ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଲକାତା ଘଟଣାକୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭୟାନକ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୋଲକାତାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୋଲକାତା ଘଟଣାକୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭୟାନକ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପିଟିଆଇକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ଲେଖାରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାକୁ ବହୁତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ହୋଇଗଲା। କୋଲକାତାରେ ଛାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ଓ ନାଗରିକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କମ୍ ମଣିଷ, କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କମ୍ ସକ୍ଷମ, କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି। କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଝିଅ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ମତ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ନାରୀକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି। ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବର୍ଷା ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ 31 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଜିଠୁ 31 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ଓ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି, ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 138 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2,962 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବଡେଗାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଡବଲ ଲାଇନ୍କୁ ବି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 12 ସ୍ମାର୍ଟ ସହରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ତେବେ ସରକାର 10 ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 28,602 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 10 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ 30 ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଏଥିରେ 1.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ 14 ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାର୍ଡଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ମଣିଷ ଦେହରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ। ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANIକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାଶ ସହ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ସେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ପରେ ରକ୍ତ ନମୁନା RMRCକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ କି ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସହ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ N95 ମାସ୍କ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। ପୁରୀ ପିପିଲି ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ। ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ରୋକିବାକୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। 4 ମଧ୍ୟରେ 28,000 ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମାରି ପତା ଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ CHSC ରେକର୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ପୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍। CHSC ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେକର୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ପୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏକକାଳୀନ 3 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର କାନୁନୀ ବିହାର ଫେଜ୍ 2 ଥିବା ଚାରମହଲ ଘର, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ସାମନ୍ତରାପୁର ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି 3 DSP, ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡୋ, 5 ASI।
परवर्ती खबर देखंतु बंद है हीराकूद जल भंडार 12 गेट 2 गेट दे जल निष्कासन जारी बंद है हीराकूद जल भंडार 12 गेट बर्तमान केवल 2 गेट दे जल निष्कासन जारी रही ड्याम बाम पार्श्वे गोटे और ढाण पार्श्वे गोटे गेट दे जल निष्कासन कराई बुधवार सका 9 सुधा जल भंडार जलस्तर 620.43 फुट रही सूचना अनुसार हीराकूद जल भंडार अगस्त 26 अर्थात सोमवार 14 गेट दे बना जल निष्कासन कराइला पर अगस्त 28 अर्थात बुधवार 14 गेट मध्य 12 गेट बंद कराई तेज बर्तमान केवल 2 गेट दे बना जल निष्कासन कराई चलतु खबर अच्छी आरजिकर मेडिकल पूर्वतन प्रिंसिपाल संदीप घोषक सदस्यता रद्द आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पूर्वतन प्रिंसिपाल डॉक्टर संदीप घोषक सदस्यता को बुधवार दिन रद्द कर आईएमए आईएमए अनुजाई संदीप घोषक तुरंत भारतीय मेडिकल आसोसिएसन सदस्यतार निलंबन करने को अनुशासन कमिटी सर्वसम्मतिक्रमे निष्पत्ति नहीं उल्लेखयोग्य चलित मास आरंभ में कोलकाता आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जूनियर डाक्तर को दुष्कर्म हत्या मामलें संदीप घोषक सीबीआई पचराउचरा करपरिक पॉलीग्राफ टेस्ट कराइला एपरिक दुष्कर्म हत्या घटना को परिचालना करिवार से अवहेला करिथिबा अभियोग होछि एथिसो तांको नारे आर्थिक अनियमितता अभियोग मध्य आछि चलतु खबर अच्छी राशन कार्ड पर इक्वैसी द्वंद अपेक्षा कर 10 लाख हिताधिकारी राशन कार्ड बलत रखा मसे भितर इक्वैसी करने कटिजो यहां खारज कर मंत्री मसे है 10 लाख अधिक हिताधिकारी राशन कार्ड पाया अपेक्षा करूँ क्यासी यह समस्या सृष्टि होती कांग्रेस विधायक अशोक दास सोफिया फिरदस हिताधिकारी केवे राशन कार्ड पाइबे प्रश्न कर मंत्री अनुपस्थित उच्चशिक्षा मंत्री कहते इक्वैसी जांच पर नुआ राशन कार्ड पाइबे हिताधिकारी इक्वैसी न कार्ड कटिया भय विधानसभा सरकार कले आश्वस्त साधारण बंटन व्यवस्था स्वच्छता आने सरकार इक्वैसी को बाध्यतामूलक करेदन प्रक्रिया चलती यह शीघ्र न भरले लोक मध्य राशन कार्ड कटिया भय सृष्टि तेज खाउटी कल्याण मंत्री अनुपस्थित उच्चशिक्षा मंत्री कहते इक्वैसी कौन निर्दिष्ट समयसीमा ना मसे भितर यह करे राशन कार्ड कटोना विधानसभा सरकार बयान पर राशन कार्ड नहीं हिताधिकारी मध्य भय दूर हबार आशा करगक एक बड़ खबर देखु सुद्रा योजन राज्यर महिला ठकिला बीजेपी कहला बीजेडी विजु जनता दल मुख्यालय शंखवन ठारे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में बीजेडी राज्यसभा सांसद तथा मुखपात्र सुलता देव कहते उपमुख्यमंत्री प्रभाती पड्डा सुद्रा योजना को नहीं कौन प्रतिश्रुति कौन मंत्यव रखिले थे देखु निर्वाचन पूर्व दल बड़ बड़ नेता कहते आम जीतले प्रत्येक महिला सुद्रा योजन 50,000 टंका देवु किंतु संकल्प पत्र लिखिले 2 वर्ष 50,000 देवु एवं कहते वर्ष को 2 किस्ती में 5 वर्ष 50,000 देवु मिछ कहवा हूँ बीजेपी प्रकृति श्रीमती देव आहुरी कहते 18-21 वर्ष महिला 60 वर्ष ऊर्ध महिला अंगनवाड़ी कर्मी आशाकर्मी सीआरपी एमबीके बैंक साथी स्वच्छ साथी सुद्रा योजन कौन पर सामिल हो पारे ना खाली से नुह जहां ट्राक्टर पावर टिलर 4-चकिया जान 2-चकिया जान थे सुद्रा योजन अंतर्भुक्त हो पारे ना आयकर दौथा पर महिला योजन सामिल हो पारे ना किंतु निर्वाचन पूर्व कही सौ महिला यह योजन सामिल हे बीजेपी यार कुस्मित मानसिकता लोक भुआ बुलेबार बीजेपी माहिर सुद्रा योजना हूँ घर भंगा योजना दलर अन्यतम मुखपात्र साफिया आलम कहते सुद्रा योजना को नहीं जो एसओपी आसी महिला योजन सामिल करने नुहे बर योजनार किपरि महिला बाद पड़े ताशार महिला बीजेपी को विश्वास कर भोट देते किंतु बीजेपी विश्वास विष दे बीजेडी तरफ आम दावी रखुचु संकल्प पत्र बीजेपी जहां कही पूरण करू प्रत्येक महिला एककालीन सुद्रा योजन 50,000 टंका दि जाऊ ता सहित देखु महाप्रभु को दर्शन कले ईडी निर्देशक राहुल नवीन श्रीमंदिर महाप्रभु को दर्शन कले ईडी निर्देशक राहुल नवीन मंगलवार से पूरी पहुंची था बेले एक घर होटेल रात्रि जापन करते तेरे बुधवार राहुल नवीन कटक एसआईटी गुरुत्वपूर्ण बैठक में जोग देते से बुधवार अपराह पूरी फेरवास श्रीमंदिर जा महाप्रभु को दर्शन कर श्रीमंदिर महाप्रभु को दर्शन करते एथस पार्श्व देवदेवी को दर्शन कर आशीष लाभ करते तेज आज से पूरी भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर ईडी अफिस्क जीवार कार्यक्रम रही।